उनके साथ परेशानी है ना कि अज्ञानता का आतंक मचाए हुए हैं, ज्ञान का आतंक जिसको नहीं करते हैं। अरे भाई जानकारी रखना, कौन उनको बता दिया? एंटीजन किट से जांच नहीं होता है, ये कहाँ से, कौन कौन गाइडलाइन में पढ़ लिए थे, कहाँ से पढ़ लिए थे? इसलिए राजनीति में तथ्यों को रखना चाहिए। जिनको पुल अप्रोच रोड में अंतरे पता नहीं चलता हो उनसे कितना उम्मीद करिएगा। चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है, हम लोग का क्षेत्राधिकार नहीं है। और देश राजनीतिक बयान से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान में 5 वर्ष के लिए विधानसभा का गठन होता है। अब इस संबंध में कोई भी नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को है, इसके बाद अथवा पार्लियामेंट को, तीसरा कोई व्यक्ति इसमें नहीं। तो पिता है 420 में जेल में, उन पर भी 420, 120 सब का मुकदमा था, तो वो तो सजा याफ्ता हो गए। अब बेटा 420 का मुकदमा झेल रहा है, तो बिहार की जनता को चाहिए 420 नेता, कौन नेता चाहिए? बिहार की जनता को विकास का नेता चाहिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं पल्लवी रंजन, हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं। हम आपको नीरज जी के बारे में बता देते कि सूचना एवं जनसंपर्क के मंत्री जी हैं। तो सर से हम पहले सर भारत लाइव में आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद सर। बात करें अगर कोरोना का, तो कोरोना काल में चुनाव किस तरीके से होगा, और अगर बात करें आपकी पार्टी के, तो कितने प्रॉब्लम, कितनी तकलीफें आएंगी आपको चुनाव में? चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है, हम लोग का क्षेत्राधिकार नहीं है। और देश राजनीतिक बयान से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान में 5 वर्ष के लिए विधानसभा का गठन होता है। अब इस संबंध में कोई भी नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को है, इसके बाद अथवा पार्लियामेंट को है, तीसरा कोई व्यक्ति इसमें नहीं। सर चुनाव आयोग तो तैयार है पूरी तरीके से, आपकी क्या टीम तैयार है? ये तो हम लोग तो रेगुलर विद्यार्थी हैं, हम लोग थोड़े 8वां 9वां पास वाला में हैं, हम लोग तो रेगुलर विद्यार्थी हैं, तो हम लोग को क्या दिक्कत है चुनाव से? चुनाव जब होगा, समय पर होगा, चुनाव आयोग तय करेगा, तो जो संक्रमण का खतरा है उसे बचाते हुए चुनाव आयोग जो मापदंड निर्धारित करेगा उसको अच्छे से पालन भी करेंगे। सर महागठबंधन में उथल पथल मची हुई है, एनडीए में सब कुछ ठीक है? अरे कहीं कुछ है नहीं भाई, क्या है महागठबंधन? जिसका नेते पर 420 का मुकदमा हो, 420 जिसका, यही तो देश में भी पहला नेता ना होंगे भाई, विपक्ष के नेता पर ही पहले नेता होंगे जिन पर 420 का मुकदमा हो, ये सामान्य नहीं है। इतना बड़ा उपलब्धि देश में किसी को नहीं, मैंने अब तक आज़ादी के बाद से बिहार में कोई विपक्ष का नेता पर 420 का आरोप नहीं लगा था, ये पहला ही गौरव हासिल इन्हीं को हुआ है। तो पिता है 420 में जेल में, उन पर भी 420, 120 सब का मुकदमा था, तो वो तो सजा याफ्ता हो गए। अब बेटा 420 का मुकदमा झेल रहा है, तो बिहार की जनता को चाहिए 420 नेता, कौन नेता चाहिए? बिहार की जनता को विकास का नेता चाहिए ना। तेजस्वी जी तो बोलते हैं अभी कोई विकास हो ही नहीं रहा बिहार में। हाँ, उनको बेचारे को विकास इसलिए नज़र आता क्योंकि पटना में मॉल बनाए थे ना, तो मॉल पर नज़र पड़ गई। विकास तो जहाँ उनका क्षेत्र है वहाँ ही सबसे अच्छा, देश का पहला बना है कोविड में, नाव पर वहाँ के रोगी आए, तब उनको दिखाई नहीं पड़ता, तो उसका कौन इलाज है? चिराग जी लगातार सत्ता पक्ष पे हमला बोल रहे हैं। अरे सब कोई भाई, कौन क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण? हम लड़ रहे हैं कोरोना से, हम लड़ रहे हैं बाढ़ से, हमारा संघर्ष है कि मानव विकास सूचकांक बेहतर हो। अब कौन क्या बोलते हैं, बोलते रहते हैं लोग। पूरी दुनिया वैश्विक आपदा झेल रही है, और हमारे पुरखों का कुर्बानी, और देश एक नए दौर में, चूँकि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के बीच हमारा स्वतंत्रता दिवस, और ऐसी स्थिति में जब औद्योगिक क्षेत्र में, जब कृषक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारी उम्मीद है कि 15 अगस्त इतना हमको संबल प्रदान करेगा कि हम कोविड से भी लड़ेंगे, और जो नई आर्थिक चुनौतियां कोविड-19 के चलते पैदा हुई है, इस दिशा में भी देश की जनता का संकल्प फिर मजबूत होगा, और इस कोरोना को हराएंगे और भारत का मस्तक को ऊँचा करेंगे। सर अगर कोरोना की बात करें तो तेजस्वी जी का लगातार बोलना है कि ना अस्पताल सही हो रहा है, ना कोरोना का चेकअप हो रहा है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जानकारी नहीं है ये सब चीज़ का, उनके साथ परेशानी है ना कि अज्ञानता का आतंक मचाए हुए हैं एकदम, ज्ञान का आतंक जिसको नहीं कहते हैं। अरे भाई जानकारी रखना, कौन उनको बता दिया कि एंटीजन किट के बारे में उन्होंने मैं बयान उनका सुना? जानकारी नहीं है,
एंटीजन किट से जांच नहीं होता है, ये कहाँ से कौन गाइडलाइन में पढ़ लिए थे, कहाँ से पढ़ लिए थे। इसलिए राजनीति में तथ्यों को रखना चाहिए। जिनको पुल अप्रोच रोड में अंतरे पता नहीं चलता हो तो उनसे कितना उम्मीद करिएगा। ये तो हे प्रभु इन्हें माफ़ कर दो, ये नहीं जानते कि कौन सा अपराध कर रहे हैं। राजनीति में शैक्षणिक योग्यता ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये बेचारे तो न शिक्षा क्षेत्र में कुछ कर पाए, क्रिकेट खेलने गए वहाँ एक्स्ट्रा प्लेयर में रह गए, राजनीति में भी एक्स्ट्रा प्लेयर की भूमिका में है। इनकी परेशानी है कि तथ्यों के बारे में संग्रह नहीं करते। तथ्यों की जानकारी तथ्यात्मक रखना चाहिए। इस देश की विरासत रही है, बिहार की विरासत रही, विपक्ष की नेता की बड़ी भूमिका होती है, कोई साधारण भूमिका होती है। राजनीति में नाबालिग की तरह मंतव्य देने से बचना चाहिए। तो आपका बोलना है कि तेजस्वी जी नाबालिग हैं अभी? राजनैतिक रूप से नाबालिग, अनुकंपा पर आए हैं, कोई संघर्ष करके थोड़े आए हैं कि रोड पर संघर्ष कर रहे थे। अरे नहीं, इतना भाग्यशाली कौन आदमी होगा कि 26 बरिस में 26 संपत्ति, हजारों करोड़ का संपत्ति भी खड़ा कर लिए। ये कम है, 420 का मुकदमा हुआ है सब पर इतना कम उम्र में। ये सब चीज़ इन्हीं को गौरव हासिल है, इतना गौरव है इन्हीं को हासिल है, इसलिए बिहार की जनता सब देख रही है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।